रेफ्रिजरेटर बहुत ही अच्छी चल रही हो पर प्रॉपर कूलिंग ना हो रही हो, इसके बहुत से रीज़न होते हैं। जैसा कि आम तौर से आजकल हम लोग रेफ्रिजरेटर में एक कॉमन प्रॉब्लम देख रहे हैं कि इसके फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा आइस होती है, और हम जानते हैं कि आइस हीट का इंसुलेटर होती है, तो जब फ्रीज़र पर आइस काफ़ी मोटी जम जाती है तो हमें दिखने में तो लगता है कि फ्रिज में ज़बरदस्त कूलिंग हो रही है, पर उसके नीचे के हिस्से में कूलिंग नहीं होती है। रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र में मोटी बर्फ़ का मतलब ये होता है कि जो बर्फ़ होता है वो हीट का इंसुलेटर होती है, और इस मोटी बर्फ़ की वजह से फ्रीज़र का जो कूलिंग कॉइल होता है उसका कूलिंग इफेक्ट कम हो जाता है, यानी उसके अंदर बहने वाली लो प्रेशर लो टेम्परेचर की जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो चारों तरफ की हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि हीट और लिक्विड रेफ्रिजरेंट के बीच में मोटी बर्फ आ जाती है, और बर्फ को जैसा कि मैंने बताया कि ये इंसुलेटर होता है जिसकी वजह से पूरे फ्रिज के कंपार्टमेंट से हीट को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। दोस्तों ऐसा ही एक प्रॉब्लम यहाँ इस फ्रिज में है, जैसा कि हम ये देख रहे हैं ये इसका फ्रीज़र है और इसमें आप देख रहे हैं कितनी मोटी बर्फ़ जमी हुई है। इस मोटी बर्फ़ की वजह से जो यहाँ फ्रीज़र हमारा है इसका जो कूलिंग कॉइल है उसकी पाइप इस मोटे बर्फ़ के बीच में दबी हुई है, और ये एक इंसुलेटर है जिससे इस कंपार्टमेंट की हीट प्रॉपरली ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, यानी हीट इस कूलिंग कॉइल के अंदर नहीं जा पाती क्योंकि ये बर्फ हमारा इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब ये मोटी बर्फ क्यों जमती है इसको हम समझते हैं। जैसा कि आजकल बरसात का सीज़न है और बरसात में जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें नमी ज़्यादा होती है, और जब भी हम फ्रिज के डोर को बार बार यूं ओपन करते हैं और बंद करते हैं, तो जब भी हम डोर को ओपन करते हैं तो ये बाहर से हवा अपने अंदर लेता है, तो बाहर से जब हवा इस फ्रीज़र के अंदर आती है तो साथ में नमी को भी लेके आती है, और वो नमी कंडेंस होकर इस फ्रीज़र के कॉइल पर जमती रहती है, और इसकी परत इस तरह से जमती हुई ये मोटी हो जाती है। एक रीज़न तो ये है कि फ्रिज का डोर बार बार खुलना, और दूसरा रीज़न ये होता है कि हमारी ये जो डोर गैस्केट है अगर ये कहीं से ओपन होगी तो लगातार वहाँ से बाहर की हवा अंदर जाती रहेगी, जिस वजह से वहाँ पर मॉइस्चर पहुँचता है और यहाँ इस फ्रीज़र पर यानी इस कूलिंग कॉइल के ऊपर मोटी बर्फ जमती है। जैसा कि हमने बताया कि गैस्केट में अगर गैप होता है तो एयर का अंदर जाना होता है, इस फ्रिज के मामले में भी हमने काफ़ी ध्यान से देखा तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ कहीं कोई गैप नहीं है, लेकिन यहाँ ऊपर हमें काफ़ी गैप दिखाई दे रहा। यहाँ आपको इस जगह ध्यान से देखिएगा, यहाँ काफ़ी गैप है, तो ये इतना गैप है कि इससे लगातार अंदर हवा जाती रहेगी और मॉइस्चर के साथ जाती रहेगी जिससे यहाँ पर मॉइस्चर आएगा। इसके अलावा इस फ्रीज़र में आइस ज़्यादा जमने का एक रीज़न ये भी होता है, ये थर्मोस्टेट ये अक्सर लोग मैक्सिमम पर रखते हैं जबकि इसे बरसात के मौसम में या जाड़े के मौसम में कम पे रखना चाहिए, यानी मिनिमम पे रखना चाहिए। जैसा कि अभी हमने इसको मिनिमम पे किया, इसकी सेटिंग तो मिनिमम पर थी, सेटिंग इसकी अच्छी थी एक पर थी, पर यहाँ प्रॉब्लम गैस्केट का था। कहीं कहीं पर गैस्केट का प्रॉब्लम होता है और कहीं कहीं थर्मोस्टेट के फॉल्ट होने की वजह से यानी ये ट्रिप नहीं करता है, तो उस केस में हमें थर्मोस्टेट चेंज कर देना होता है, पर यहाँ हमारा ये थर्मोस्टेट प्रॉपर वर्क कर रहा है। प्रॉब्लम हमारे इस डोर गैस्केट में है इस जगह पर, तो हम इस डोर गैस्केट को रिपेयर करेंगे कि इसका गैप यहाँ से ख़त्म हो जाए। जैसा कि इस रेफ्रिजरेटर में हमने देखा इसकी डोर गैस्केट में प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ इन दोनों सरफेस के बीच जो गैप है वो ज़्यादा है, इसके हिसाब से आप नीचे की तरफ चले आइए तो यहाँ पर हमें गैप कम दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये जो दरवाज़ा है वो ऊपर से थोड़ा बाहर की तरफ झुका हुआ है। अब हम एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे ये दरवाज़ा अपनी पोजीशन पर चलाएगा। इसके लिए अगर ये दरवाज़ा इस तरफ झुका हो तो नीचे की तरफ हाथ लगाते हैं, और अगर दरवाज़ा नीचे की तरफ से खुला हुआ हो तो हम ऊपर की तरफ हाथ लगाते हैं। जैसा कि ये हमारा दरवाज़ा इस जगह ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा है तो हमें हाथ इस जगह लगाना है, यहाँ पर इस जगह पर इस तरह से हाथ लगा लेंगे और इस दरवाजे को देखिए इधर ये इस तरह से प्रेस
प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद, डोर को प्रेस करने के बाद जब हम इसे बंद करते हैं तो ये थोड़ा सा इसमें फर्क दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देखिए जब हम इसे लॉक करेंगे तो यहाँ ये जो गैस्केट है वो फिर और करीब आ जाएगी। यहाँ देखिए इसको जब हम लॉक करते हैं तो यहाँ देखिए डोर गैस्केट हमारी करीब आ जाती है। ये देखिए, ये हमने ऑफ किया तो गैस्केट दूर हुई, और ये हमने ऑन किया यानी लॉक किया तो गैस्केट करीब आ गई। तो इस तरह से जब हमारा दरवाज़ा थोड़ा बेंड हो जाए यानी गैस्केट के बीच में गैप आ जाए तो हम इस दरवाजे को लॉक करके रखते हैं कम से कम रात भर के लिए, जिससे ये अपनी जगह मैग्नेट फिर से प्रॉपरली काम करने लगता है। अब इस रेफ्रिजरेटर को हम रात भर के लिए जब लॉक कर देंगे तो इसका ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।